गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एंड नमस्कार। आप सबका स्वागत है चैनल पे। और आज चलेंगे, आज फिर से देखेंगे कि 5 Shares 300 Days में क्या अपडेट है। तो आपको जैसे बताया है कि मैं कुछ पार्ट्स में दिखाता हूँ, जैसे इसमें आज के मैं आपको समरी शीट दिखाऊंगा कि आज का क्या परफॉर्मेंस है। टुडेज शेयर दिखाऊंगा। समरी शीट में आपको टॉप सबसे जो निगेटिव हैं वो और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव हैं, या कुछ शेयर जो 10% अचीव कर चुके हैं, क्योंकि हमारा टारगेट 10% ही है। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले यही कहूँगा कि फाइनेंशियल मार्केट हमेशा रिस्क का होता है, बट इसमें वही पैसा इन्वेस्ट कीजिए जिसको आपको अगले एक साल तक जरूरत न पड़े, या अगर आप उसको लूज भी कर दें तो आपके घर पर कोई अफेक्ट न पड़े, तो वही पैसा कीजिए। और बिफोर इन्वेस्टिंग आप खुद इन्वेस्टमेंट की रिपोर्ट एनालिसिस आप खुद सर्च कीजिए और कीजिए। मतलब हम लोग जो बना रहे हैं वीडियोस, या किसी भी यूट्यूबर से मिलता है, या कुछ भी मिलता है आपको, किसी बुक से नॉलेज मिलता है, वो नॉलेज आप लिखते जाइए, उसके बेसिस पे आप अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनाइए और उसके बेसिस पे ही आप बाई एंड सेल कीजिए। मैं पहले 5 शेयर डालता था, बट अभी मैं वही शेयर्स डालता हूँ जो मैं खुद लेता हूँ, वरना मैं जो मेरे पास है स्टॉक में, ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया कि टॉप 5 के ये बहुत अच्छे शेयर्स हैं आप इनको जरूर ले लो और मैं खुद बाई ना करूँ, नहीं मैं वैसे नहीं करता। जो मैं बाई करता हूँ वही करता है। और ये सब चीज़ें आपको समरी शीट में दिख जाती हैं। आज के 5 शेयर दिखाऊंगा। GTT शेयर यानी जो शेयर बेचने के लिए लगा रखे हैं, पोजिशन में क्या है, यानी आज जो मैंने बाई किया उनकी क्या हालत है अभी। टॉप 5-10 होल्डिंग्स ये भी अभी नया दिखाऊंगा मैं, जो सबसे टॉप पे चल रहे हैं 10 होल्डिंग्स वो दिखाऊंगा। प्रॉफिट एंड लॉस दिस मंथ का जो है वो भी दिखाऊंगा। और वन स्टॉक एनालिसिस, किसी भी एक स्टॉक को हम लोग लेंगे और उसको एक जनरल टर्म में सर्च करेंगे कि क्या चल रहा है उनका। तो अब चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने इस पे। तो कल हमने कुछ स्टॉक लिए थे और आपने देखा था कि क्या पोजीशन चल रही है उनकी, तो हम इसमें यही देखेंगे कि, और हमने उनको ऐड भी कर दिया है कल जो लिए थे, PBEL GM है। इसमें बस एक ही चक्कर है कि मैंने शायद अदानी ट्रांसमिशन जो कल मैंने बाई किया था, अगर आप इसको देखेंगे कल जो मैंने बाई किया था, तो उसको मैं लिखना इसमें रह गया, यानी इसमें ऐड करना रह गया अदानी ट्रांसमिशन, तो शायद नहीं है। फिर भी मैं कल इसको अपडेट कर दूंगा और आपको दिखा दूंगा। तो चलो चलते हैं और देखते हैं कि सबसे टॉप स्टॉक कौन से हैं जो सबसे ज़्यादा निगेटिव हैं और सबसे ज़्यादा बाई हैं। बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ज्योति लैब्स एंड इंडस टावर, आप देखेंगे कि इंडस टावर ये ग्रीन हो चुके हैं और ये दोनों ही आज मैंने, मतलब इंडस टावर तो बिक गया है, लेकिन इसका क्या हुआ कि GTT मैंने लगाया था जब ये 10% पहुंचा, तो मैंने थोड़ा सा GTT गड़बड़ कर दिया था जो -4% पे बिक गया। मैंने अप्रॉक्सीमेटली 5% रख दिया था, मुझे लगा ये और ऊपर जाएगा तो अपने आप बढ़ा लूँगा, लेकिन ये विद इन अ डे गिर के ये बिक गया। तो आप देख सकते हैं कि 19 दिन में 6% बनाए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग आगे रिकवर कर लेंगे। ज्योति लैब का अभी भी GTT है, ये अभी भी एक्टिव है, 10% से ऊपर जा चुका है, लेकिन ये अभी भी एक्टिव है, बट मैंने इसको ग्रीन करके GTT लगा दिया। अब GTT लगा दिया है तो ऑब्वियसली ये फिर नहीं रहेगा। GTT मैंने एशियन पेंट्स में भी लगा चुका हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी 10% पहुँच चुका था, अगर आप देखेंगे तो ये भी 10% पहुँच चुका है। एक सेकेंड में इसको भी GTT लगा चुका हूँ, इसलिए इसको ग्रीन कर रहा हूँ कि अब ये हमारे लिए बिक चुका है, हमें कोई इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना कि नहीं बिका है, हमारे लिए ये बिक चुका है। अब ये कभी भी ऊपर चलता जाएगा कोई बात नहीं है, 10% या 12% जाएगा, 15% जाएगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमने हमारा टारगेट था कि 10% ये कितने दिनों में अचीव करता है, राइट। तो आप अगर ये देखेंगे तो 19 जुलाई सेम जी ना, ये 20 दिन ले रहा है, 19 दिन ले रहा है, इस पर चेक कर लूंगा मैं बाद में, अभी आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे 22 दिन ले रहा है, कैसे क्या है, 22 दिन ही होना चाहिए ना, ये दोनों क्या चक्कर है भाई, चलो इसको नंबर ही दे देता हूँ, 22 22। चलो, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिन तो दिखा ही रहा है ना कि ओरिजिन कितने दिन हुए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
22 दिन में, ये दोनों भी 22 दिन में। तो एशियन पेंट्स को भी मैंने लगा दिया है ऑलरेडी, GTT लगा दी है और आपको दिखाऊंगा। उससे पहले हम ये देखते हैं कि आज का टॉप सबसे ज़्यादा गिरा हुआ स्टॉक कौन सा है, गिरा हुआ करेक्टर से नहीं, प्राइस में। ओके, तो सबसे ज़्यादा GMM है, ये गिरा हुआ नहीं एक्चुअली, इन्होंने अभी स्प्लिट किया है, तो जो मेरे पोर्टफोलियो में वैसे ही दिखा रहा, तो फिलहाल जो पोर्टफोलियो में दिखा रहा मैंने वही रखा है। कल मैंने एक स्टॉक लिया था ऑलरेडी, मेरे पास ये दो स्टॉक पहले से पड़े हुए थे, तो कल मैंने 1.4 के करीब ही लिया था, और आप अगर देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं, 1.450 का ही लिया था, और ये मेरे पास एक पहले से स्टॉक पड़ा हुआ था हाई पे, इन्होंने स्प्लिट किया है। जब तक वो स्प्लिट नहीं देंगे तब तक मैं मान के चलता हूँ कि ये अभी भी निगेटिव है। तो एवरेज प्राइस इसका 2576 आ रहा है, क्योंकि दो स्टॉक पहले से थे, और इसी कारण ये -43% आ रहा है, ठीक है। और ये मैं एक ऐड कर लूँगा आज के, अगर लेना होगा तो मुझे ले लूँगा। और इसमें हम देखते हैं कि आज के सबसे पॉजिटिव स्टॉक कौन से हैं, तो 14%, 10%, 10%, ओके, 14% कौन गया भाई, MRPL, अच्छा कल मैंने उसका एक्चुअली अपडेट डाला था कि क्या हो रहा है, ये 12% पे बिका था एक्चुअली, और एशियन पेंट 10% पे है, ज्योति लैब्स 10% पे, इंडस्ट्रियल टावर क्यों नहीं आया भाई, अच्छा इंडस्ट्रियल टावर 6% बिक गया था इसलिए नहीं दिखा रहा है, ये टॉप के हैं। तो अब इन दोनों को छोड़ देते हैं और हम देखते हैं कि सबसे क्लोज अब कौन सा स्टॉक है जो उसके पास जाने वाला है, यानी अब जो बिक जाएगा 6% से। तो आप चाहें तो इन स्टॉक को भी ले सकते हैं, इंडस्ट्रियल तो बिक गया, GNFFC भी एक्चुअली 10% के करीब पहुंच चुका है अभी आज इसने आप अच्छा खासा जंप लिया है और TNJ हो गया है, अभी जस्ट देखा था मैंने थोड़ी देर पहले। तो बैंक ऑफ बड़ौदा तो इसके आजू बाजू ही चल रहा है, लेकिन हम लोग देखेंगे ये भी कवर कर लें। तो ये मेरा पहला पार्ट था जिसमें जब समरी शीट देखिए, अब आगे हम आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में अगर आपने पहले भी देख ध्यान दिया होगा तो मैंने आज कोई स्टॉक बाय नहीं किया है, आज के मेरे कोई भी 5 रिकमेंडेशन नहीं है, बस एक ही रिकमेंडेशन है कि आप चाहते हैं तो GMM ले सकते हैं, वरना बजाज फिनसर्व ले लीजिए, बजाज फिनसर्व आज का रिकमेंडेशन है, आप बजाज फिनसर्व ले सकते हैं। इसके बाद हमें देखना है कि पार्ट टू में अभी शुरू करते हैं ये कि हमने GTT शेयर अभी देखेंगे, पोजीशन देखेंगे, टॉप 10 होल्डिंग्स देखेंगे एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड वन स्टॉक देखेंगे। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने स्टॉक केस पे। तो आप ये मेरा GTT का देख सकते हैं, GTT में मैंने ये लगा रखा है, अदानी इंटरप्राइज, राफेल, एफएल, AIG इंजीनियरिंग, अपोलो टायर्स, एशियन पेंट्स आप देख सकते हैं कि मैंने लगा हुआ है, बजाज ऑटो भी लगाया है, और इसमें हम बाकी अगर नीचे का देखें तो पावर इंडिया, ज्योति लैब्स भी मैंने लगा रखा है, IPCA, GNFC भी मैंने आपको बोला ना, GNFC भी 10% पहुंच चुका है तो उसको भी लगा रखा है। इसमें मैं यही करता हूँ कि 2-3% रखता हूँ, और ये देखिए अभी ये काफ़ी क्लोज जा रहा है, इसको मैंने 2-3% प्रॉफिट में लगाया था, और अभी ये जैसे 3% पे पहुंचे हैं ना, तो इनको हम लोग वापस इनको कोशिश करेंगे कि इनको 2-3% के बीच में रख दें, 2-3% के बीच में रखना, तो 8 रुपये, ओके 2 रुपये बढ़ाए यानी 6, अब मुझे जो भी बिकेगा 6 रुपये ऊपर पे बिकेगा, 3×2 तो 6 रुपीज़। और आप यहाँ पे देखिए ये 2.48% निगेटिव है, जो लेटेस्ट ट्रांसफर प्राइस है, जो लेटेस्ट ट्रांसफर 213 है, ये 208 पे अगर आएगा तो ये बिक जाएगा, जो कि -2% है अभी के प्राइस से। तो 2-3% का कोई लॉस, कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि हम इसको ऑलरेडी लगा चुके हैं। यहाँ पे एक और है बजाज ऑटो, तो इसको भी हम आपके सामने ही एडिट करके 2-3% के रेंज में ला देते हैं, तो 38 ना, हाँ तो 920, ठीक है, 2 स्टॉक हैं, तो ये भी अब 3% के रेंज में आ गए। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि उनको 2-3 के बीच में रखें। अब ये लक्ष्मी मैकेनिकल अगर बिकता है तो बिक जाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसमें प्रॉफिट कमा चुका हूँ। वैसे ही डॉक्टर रेड्डी रख लिया, डॉक्टर रेड्डी तो बीच में बेचा था, अच्छा खासा बड़ा है। एशियन पेंट्स, ये सब तो हमारे स्टॉक हैं, तो हमारे ये पुराने स्टॉक हैं जो रखे हुए, लेकिन मैं उनको जो जा रहे हैं तो उसको कर लिया। अब पोजीशंस में देखते हैं, पोजीशंस में आज इंडस्ट्रियल और बिक गया था, वन लाइफ मेरा आज बिक गया था, लेकिन उसके बिकने के बाद वो 7% बढ़ा, जिसके कारण ये निगेटिव दिखा रहा है कि मुझे लॉस हो गया जल्दी बेचने के कारण। तो GTT का कभी कभी ये भी होता है कि शेयर 2-3%, पहले मैं 5% रखता था, बट अब 2-3% रखता हूँ, बिक जाने तो कोई फर्क नहीं पड़ता ये घटा या बड़ा, तो एक छोटा मोटा लॉस हो जाता है यार कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन बेटर है कि मेरे पैसे आगे मेरे पास, मैं उससे दूसरे शेयर खरीद सकता हूँ।
ये पोजीशन दिखा दिया है, आज खरीदा नहीं है तो बाकी कोई भी स्टॉक आज के बाइंग में नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट होल्डिंग्स में टॉप 10 होल्डिंग्स मैंने आपको बोला था, तो ASTN ARE 17% पे है। इनकी वैल्यू आप देखोगे तो कम है क्योंकि ये बहुत कम है। इन पे अभी कुछ में मैंने GTT नहीं लगाया है इसमें से। अदानी इंटरप्राइज पे GTT ऑलरेडी लग चुका है। GNFC देखिए आप 10% ऊपर जा चुका है। एशियन पेंट भी आप देखेंगे तो 10% पहुंच चुका है, इसीलिए मैंने इन पे अभी GTT लगा दिया है। तो 10% तक के मैं स्टॉक दे रहा हूँ, अगर आपको इनमें से कोई लेना है तो ले सकते हैं। ज्योति लैब भी मैंने 10% लगा चुका है। BC ज्वेलर्स भी 10% पहुंच चुका है। इनकी वैल्यू कम है, डेफिनेटली मुझे इसमें नुकसान होगा अगर ये बिक जाएंगे, इसीलिए मैंने इन पर अभी GTT नहीं लगाई, इनको बढ़ने दूंगा। IPCA लैब भी मेरा 10% पहुंच चुका है, इसमें 275 रुपीज है, 3000 के इन्वेस्टमेंट है, 10% का कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। बैंक ऑफ बड़ौदा ओके 7% पहुंचा, इसीलिए अभी तक वहाँ पे GTT नहीं लगा है। आपने देखा था कि करीबन 6-7% था वो। एडलवाइस पे भी अच्छा, ये तो अभी नीचे आ गया, अभी मुझे 10% तक ही रहना था, ज्यादा नहीं करते हम 10% तक पे ही ना कर लेते हैं। ये 10% के स्टॉक हैं, टॉप 10 18% ऐसे दे चुके हैं ये सब स्टॉक। ये कुछ पेनी स्टॉक है, इनको मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूँ, रिस्क लीजिए। ये बहुत, अगर आप देखेंगे तो बहुत ही छोटा अमाउंट में इन्वेस्ट करता हूँ और उसी को बढ़ने देता हूँ, और उसके बाद लगता है मुझे तो करता हूँ। और अभी प्रॉफिट एंड लॉस पे जाएंगे तो एक जुलाई से 19 जुलाई तक का है, और मैंने बताया था कल भी लॉस में था, तो अभी का स्टेटस ये है, 1.33 अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस है, मतलब पूरा पोर्टफोलियो जो है 1.33 के लॉस में है, जिसमें से नेट रियलाइज यानी जो मैंने बेचा है, खरीदा है, बेचा खरीदा है, उसमें से जो मुझे प्रॉफिट हुआ है वो माइनस है 200, और ये भी कदर क्रेडिट यानी भी 300 है, तो ओवरऑल 500 रुपये प्रॉफिट दिखा रहा है मेरा पोर्टफोलियो, लेकिन मुझे अभी भी लॉस 3 का है। देखिए ये आप समझने की कोशिश करिए, ये शीट के हिसाब से लिंक नहीं है, ये मेरे पूरे पोर्टफोलियो के हिसाब से लिंक है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं आपको शो कर सकूं कि मैंने कितना बनाया है। तो यही है हमारा आज का GTT, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप उसमें लगाते रहिए और करते रहिए। ये पूरी समरी थी शीट, और होप आपको इस पसंद आया हो। आज की कुछ नई चीज़ें आज मैंने ऐड की हैं। हाँ, टॉप 5 शेयर्स आज नहीं दे पाया हूँ, ये कल दे दूंगा मैं आपको, या जब भी मुझे लगेगा कि अब बाई करने का सही टाइम है तभी मैं बाई करूंगा, वरना नहीं करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी और स्टॉक का एनालिसिस करना हो तो आप कर सकते हैं। ओ सॉरी, थैंक यू वेरी मच बोला मैंने, बट हम चलते हैं आज सबसे ज़्यादा नेगेटिव स्टॉक GMM को ही ऑब्जर्व करते हैं कि GMM का परफॉर्मेंस क्या है। करेक्ट, हमें GMM का देखना है कि GMM क्या कर रहा है। लिया था ना हमने GMM, इसके एनालिसिस पे जाते हैं, ये अभी तक दिखा नहीं रहा है, ये कल ले चुके हैं हम, इसको फंडामेंटल्स में जाके हम इसका एनालिसिस, ये सॉरी मैं भूल गया था कि इसका एनालिसिस करना है। वन मंथ का रिटर्न 11% है, CAGR आप देखेंगे तो 14% का एवरेज दिया है ये, जो कि बहुत ही अच्छा है। और इसके हम इसमें जाते हैं तो देखेंगे क्या बोल रहा है। तो आज का ये 1% करीब बढ़ा है, इंट्रिंसिक वैल्यू कम है, बट FD के अगेंस्ट में ROE ज़्यादा बेटर है, एंट्री पॉइंट भी अच्छा है, नो रेड फ्लैग है, तो अच्छा ही दिख रहा है अभी तक फिलहाल, और जो कि मैंने ऑलरेडी बाय कर लिया है तो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। चलो देखते हैं कि इनका GMM फॉटलर लिमिटेड का कॉम्पिटिटर कौन है। कमिंस इंडिया है, थर्मेक्स है, AI इंजीनियरिंग है। AI इंजीनियरिंग आपने अभी देखा मेरे उसमें देखा होगा कि FTT में GTT में कि मैंने इसको 10% ऊपर कमा चुका हूँ और इसको लगाया हुआ है। और अगर इसमें आप कमिंस इंडिया ही देखेंगे तो डिविडेंड कमिंस इंडिया का अच्छा है अगर आपके पास, और ये सभी स्टॉक अच्छे हैं, GMM फॉटलर, कमिंस, थर्मेक्स, AI इंजीनियरिंग, इनको चारों के स्टॉक को भी आप ले सकते हैं। कमिंस इंडिया मेरे पास था, मैंने प्रॉफिट पहले ही बुक कर दिया। थर्मेक्स मुझे नहीं याद है कि मैंने कब लिया है, अगर मुझे श्योर नहीं है इसके बारे में, थर्मेक्स मेरे स्टॉक में शायद नहीं भी है, तो आप इन चारों स्टॉक को ऐड कर सकते हैं। होल्डिंग्स के बारे में GMM फॉडलर का जाते हैं, देखते हैं म्यूचुअल फंड में करीबन सेम है, थोड़ा सा बड़ा है इनका होल्डिंग्स। प्रमोटर्स होल्डिंग्स में कैसा है कि सेम ही रखा है इन्होंने, प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग्स नहीं बेची, इतना कॉन्फिडेंस उनके पास। डोमेस्टिक में इनका इंक्रीज ही हुआ है, डोमेस्टिक में इनका इंक्रीज हुआ है, और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस में भी डिक्रीज हुआ है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन अभी हाथ खींच रहे हैं, इसलिए मार्केट भी जा रहा है, थोड़ा सा लफड़ा हो रहा है,
रिटेल में भी करीबन सेम है, ज्यादा फर्क नहीं है, ऊपर नीचे इतने परसेंटेज में आप ऊपर नीचे नहीं ले सकते हैं। और फोरकास्ट देखते हैं लोग क्या बोलते हैं, फोरकास्ट 100% टू लोग, लेकिन इसमें बस देखिए इन्होंने 100% बोला है दो लोगों ने और एक तीसरा मैं हूँ, तो तीनों ने 100% बोला है, लेकिन ये दो लोग हैं तो आप इसके लिए सिर्फ उतना 100% श्योर नहीं हो सकते हैं। बट जैसा मैंने ऑलरेडी ऐड किया है ये स्टॉक कल, तो मैं खुद भी बोलूंगा कि आप ये स्टॉक ले सकते हैं और ये अच्छा स्टॉक है। और साथ में दोबारा मैं बोलना चाहूंगा कि आप इसके अगर चाहें तो चारों स्टॉक भी जो पीर्स हैं इनके जो दिखा रहा है उनको भी आप ले सकते हैं साथ में, फोरकास्ट नहीं दिखा रहा है बट ठीक है चलो मैं आगे ले लूंगा कभी इसको भी। तो ओवरव्यू मेरा यही है कि आप इसको ले सकते हैं और चलो इसको कंपेयर करते हैं मैक्सिमम से, सीधे मैक्सिमम पे जाते हैं। तो आप देखिए स्टॉक कहां से कहां पहुंच गया, 225 से पहुंचा है 14 में और पूरा 500% का रिटर्न है, 500% SIP अगर हम देखते हैं तो अगर आपने इसकी SIP 100 rupees की लगाई होती तो आज जो अगर आपने 5,300 लगाए होते तो 11,800 बन चुके, तो अप्रॉक्सीमेटली डबल। तो SIP का ये फायदा होता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे आप देखोगे तो 200% ही बन रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 200%। बट अगर आप इसका मैक्स देखो कब से, मार्च 18 से लेके आपका है, और मैं अगर मैक्सिमम देखूंगा तो इसका रिटर्न काफी 500% का, ये भी मार्च 18 से है, 500% का रिटर्न है, इसलिए मुझे इक्विटी काफी बेटर लगती है। और ये 500 से ज्यादा रिटर्न आप ले सकते हो अगर आपने इसकी बाय एंड डिप में एवरेज आउट किया है, तो इसका बाय एंड डिप ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है अगर आप देखोगे तो। लेकिन यहाँ पे अगर मान लो बेच दिया होता आपने और वापस यहाँ पे खरीद लिया होता तो आप ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर सकते थे, डबल बना सकते थे प्रॉफिट को। और सेम यहाँ पे ये पोजीशन आई है और फिर यहाँ पे डेफिनेटली वो आप सही जज नहीं कर सकते हो, बट अगर आप लेते भी रहते नॉर्मली तो आप 500 बनाते। इसीलिए मैं SIP से बेटर मानता हूँ कि आप 5 मिनट टाइम दीजिए, आधा घंटा टाइम दीजिए, या मेरा वीडियो देखिए 10 मिनट से 15 मिनट का वीडियो देखिए, 5 जो शेयर्स हैं आप उसको उन्हीं को आप बाई करते रहिए और उन्हीं को शेयर करते रहिए जब भी 10% के परी पहुंच जाए। नॉर्मली हमारा टारगेट तो 10% ही रहता है ना दोस्त, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच, आप सबका दिन शुभ हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आगे मिलते हैं फिर से, थैंक यू।